स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमो बुधाए, जय भारत। ग्राम सभा टोडरपुर के अशोक स्तंभ पर आज सम्राट अशोक का जन्मोत्सव मनाया गया, जो विश्व महानतम सम्राट वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के संवाहक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी के 2328वें जन्मोत्सव पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी। तो आज देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस ग्राम सभा टोडरपुर के BDC और यहाँ पर प्रत्येक 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम होती है, जिनके कोषाध्यक्ष माननीय नाथूलाल जी मौर्य जी भी हैं। तो इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे और इस ग्राम सभा के BDC कृष्णा मौर्य से हम पूछेंगे कि यह कार्यक्रम कितनों दिनों से होता है और कैसा लगा यह कार्यक्रम करके। देखिए, पहले तो यह कार्यक्रम 24वां साल है ये, और ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन गुजर रहा है। हमारी एकता और एक मत की वजह से हमारा कार्यक्रम हर साल सफल होता जा रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह हर साल बहुत भव्य और आकर्षक हो। और बताइए आप। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कार्यक्रम मतलब पूरा गांव के लोग मिलजुल कर करते हैं कि केवल कुछ एक टीम है बस वही करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें साथ सबका सहयोग होता है और हमारा सबका समर्थक होता है। हाँ, ये होता है कि मतलब राह मार्ग दिखाने के लिए कुछ ही लोग होते हैं, एक टीचर होता है क्लास में, सब बच्चों को ट्रेन करता है, उसी वजह उसी तरह हम लोग और सम्राट अशोक क्लब एक हमारा संस्था है, जिसके माध्यम से हम सब गांव मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए, इस जो यहाँ पर 2 अप्रैल को कार्यक्रम होते हैं, उनके कोषाध्यक्ष जी हैं, तो इनसे आइए कुछ हम जानना चाहते हैं ये कि आप बता दीजिए कि कितने वर्षों से कार्यक्रम होता है। सर, ये कार्यक्रम तो 24 वर्षों से होता आ रहा है। अच्छा। और सारे क्षेत्र के लोगों ने इस पर पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा हजूम लेकर के हर गाँव से लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, छोटे छोटे बहुत से बच्चे भी आते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये जो भी कार्यक्रम होता है पूरा गांव का सहयोग मिलता है आपको? पूरा 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 का पूरा सहयोग, यहाँ के पूरा महिलाएं भी रहती हैं पूरे गांव के, और बच्चे भी रहते हैं छोटे छोटे, पूरे बूढ़े भी रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। यहाँ के कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नहीं रहता है उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बता दीजिए कि तब तो 24 वर्षों से कार्यक्रम हो गया, 2 अप्रैल अभी हाल ही में बीता है, तो कार्यक्रम जोरदार हुआ होगा, तो आगामी जो 2 अप्रैल आएगा तब तो 25वीं होगी, जो अपने आप में एक सिल्वर जयंती होगी। इस साल तो सर बताना ही नहीं है कि किस तरह का कार्यक्रम होगा। हाँ, बहुत ऊंचा हाई लेवल का कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों सिल्वर जयंती होगी, क्योंकि 25 वर्ष का कार्यक्रम पूरा, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है कि 25 वर्षों से एक ही कार्यक्रम पूरे गांव के लोग मिलजुल कर करते आ रहे हैं। आज 25 वर्ष से पूरा तैयारी हो रही है, 25वें साल की आज से ही शुरू हो गया है तैयारी के, किसको किसको बुलाया जाए 25वीं वर्षगांठ में। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये ग्राम सभा टोडरपुर भावनकुल क्षेत्र बक्सर से मात्र 15 किमी दूरी पर ये ग्राम सभा भावनकुल में पड़ता है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। प्रत्येक 2 अप्रैल को यहाँ पर कार्यक्रम लगता है, और आगामी जो 2 अप्रैल आएगी, 25वीं जो कि सिल्वर जयंती अपने आप में होगी, एक बड़ी कामयाबी ये कार्यक्रम का हो चुका है। तो देखिए, मुख्य अतिथि के लिए अभी से मतलब होने लगा कि कौन आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, तो आप सब भी आइए, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जय भारत, नमो बुधाए।